जैन साथियों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर फिर से आया हूँ सोल्डर्स जीडी का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो अभी आपके जो एग्ज़ाम आने वाला है सब में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो मेरे साथ इस क्वेश्चन करिए और अपने क्वेश्चन में इसका अपने नोटबुक में इसका आंसर आप नोट करिए, ठीक है? और मैं क्वेश्चन ख़त्म करने के बाद मुझे कमेंट करके आप बताइए कि आपका इसमें से कितना सही हुआ है, ठीक है? तो मेरे साथ क्वेश्चन करिए। आप अगर मेरे चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों का साथ इसे शेयर भी करें, ठीक है? मैं आपके लिए आर्मी से रिलेटेड सारा सब कुछ लेके आते रहता हूँ, ठीक है? जो भी आर्मी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, या तो फिर टेक्निकल पेपर हो, या क्लर्क का हो, या जीडी का हो, टेयरमैन का हो, कोई भी, या नोटिफिकेशन हो, या कुछ भी रिलेटेड हो, आप मुझे कमेंट करके बताइए। कोई भी क्वेरी है तो मैं सारे कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है? तो टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, अब देखते हैं अब पहला क्वेश्चन आज का क्या है। तो मेरे साथ क्वेश्चन को ज़रूर करें आप। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, वो हुआ था अगस्त 1942 में। कब हुआ था? अगस्त 1942 में। अगला है, हमारे संविधान के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है दोस्तों 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने दोनों का दोस्तों होता है? ये होता है 5 वर्षों का। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय दोस्तों है ये न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। अगला है, चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ये था नील आर्मस्ट्रांग था। कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था। अगला है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति जो करता है, इसका ऑप्शन नंबर जो है पहला में है प्रधानमंत्री, दूसरा में है राष्ट्रपति, तीसरा में लोकसभा का स्पीकर, चौथा में है राज्यों के मुख्यमंत्री। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कौन आ जाता है? राष्ट्रपति, ठीक है? अगला है, भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो ये झील है दोस्तों वुलर झील। कौन है? वुलर झील। अगला है, सुंदर वन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सुंदर वन टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों ये स्थित है वेस्ट बंगाल के अंदर। कहाँ है? वेस्ट बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर है, ठीक है? अगला है, इंडियन प्रीमियर लीग की किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों आप जानते हैं ये जुड़ा हुआ है क्रिकेट से, जिन्हें कि IPL कहा जाता है। IPL का फुल फॉर्म होता है क्या? इंडियन प्रीमियर लीग होता है दोस्तों, ठीक है? इसका आप नोट्स भी बना सकते हैं आप, ठीक है? और उसके रिवीजन भी कर सकते हैं आप। जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर, ठीक है? अगला है, गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाता है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और जयपुर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जयपुर, ठीक है? अगला है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे दोस्तों जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है? अगला है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का दोस्तों नाम जो है, इसका ऑप्शन जो हो जाता है इनसेट, IRS, नासा और मैनसेट। इसका ऑप्शन नंबर सी यानी नासा। अगला है, भारत के उस कारखाने का नाम बताओ जिन्हें जिसमें जहरीली गैस रिसने से 1000 लोगों मर गए थे, ठीक है? इसका ऑप्शन नंबर है यूनियन कार्बाइड, ठीक है? ये कारखाने का नाम था आगे, ठीक है? चलो अगला है, वन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? वन सागर बांध दोस्तों ये है सोन नदी पर, ठीक है? अगला है, भाभा आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इसका ऑप्शन हो जाता है ट्रॉम्बे, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर अहमदाबाद। इसका आंसर हो जाता है ट्रॉम्बे, ठीक है? अगला है, यदि एम्पिरिकल सूत्र CH2 यानी कि मीथेन को क्या कहते हैं? मेथीन यानी CH2 को क्या कहते हैं? मेथीन कहा जाता है दोस्तों। ये कैसा यौगिक है? यह है एल्कीन यौगिक है, ठीक है? अगला है, कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं उसकी, इसका ऑप्शन बताइए उसमें क्या होता है दोस्तों? उसमें क्या होता है? बेहतर अपमार्जनक क्रिया के कारण इसका क्या होता है? कपड़े नीले हो जाते हैं यानी अच्छा लगता है देखने में। अगला है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर बी,
डी, यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी क्या होता है, पानी में घुलनशील होता है। अगला है, इन्फ्लुएंजा बीमारी निम्न में से किसके कारण होता है। इन्फ्लुएंजा बीमारी दोस्तों ये होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वायरस के कारण होता है। अगला जो है, मनुष्य में आम तौर पर पाया जाने वाला कवक कौन सा होता है। दोस्तों ये कवक होता है रिंग वर्म होता है, ठीक है। BSO4 या किस रासायनिक पदार्थ का सूत्र है। दोस्तों ये है बेरियम सल्फेट का, ठीक है। इसका आप नोट्स जरूर बना लीजिए, ठीक है, उसका रिवीजन जरूर करिए आप, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जरा क्वेश्चन है। अगला है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष दोस्तों होते हैं, ये होते हैं 4, ठीक है। सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कितना समय लगता है। ये इसका आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8:20, यानी कि 8:20 का समय लगता है, यानी लगता है। अगला है, पीतल में कौन से धातु में से धातु होते हैं। दोस्तों इसका देखिए ऑप्शन जो हो जाता है, यानी कि Cu, यानी कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक पीतल में मिक्स होता है दोस्तों। अगला है, दो समान और विपरीत बल के एक दूसरे एक वस्तु को पलटने के लिए लगाया जाए तो उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। दो समान और विपरीत बल के एक वस्तु को पलटने के लिए लगाया जाए तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है कपल कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। किसी वस्तु का इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के लिए ऊष्मा का मात्रा प्रयुक्त होने वाले को क्या कहा जाता है। दोस्तों ये कहा जाता है, इसको ऑप्शन देखिए पढ़ लीजिए, कौन सा है, विशिष्ट ताप है, कैलोरी है, विशिष्ट गुरुत्व है और घनत्व संबंधी है। दोस्तों इसका आंसर जो हो जाता है कैलोरी, क्या हो जाता है कैलोरी। अगला है, ध्वनि का वेग हवा में 344 मीटर पर सेकंड है, तरंगों की लंबाई क्या होगा अगर उसकी तीव्रता इतना हर्ज है। तो देखिए तरंग की लंबाई निकालना है, डायरेक्ट आप इसमें इसे भाग लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा, भाग लगा के 10 मीटर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यदि है, अगला क्वेश्चन है, यदि दो प्रतिरोध 5 ओम और 10 ओम एक साथ समांतर जुड़े हैं तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है, 1/r = 1/r1 प्लस 1/r2 होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए तो यानी कि आपको ये निकालना है, आपको यानी r निकालना है, यानी कि 1/5 दिया था प्लस 1 दिया था मुझे, 1/10 दिया था, यानी दोनों का एलसीएम कितना 10 हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये 2 और ये 1 3 1, यानी कि हो जाएगा 1/r कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/3/10 हो जाएगा, ये 3 है। अब देखिए तो यहाँ गुना करेंगे कितना हो जाएगा, गुना ऐसे तो r कितना 10 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, 10/3 आपका आंसर हो जाता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, ठीक है। चलो अगला है, एक व्यक्ति दूरदृष्टि से पीड़ित है तो वह कौन से लेंस का प्रयोग करेगा। दोस्तों ये प्रयोग करेगा उत्तल लेंस का, यानी दूरदृष्टि दोस्त को दूर करने के लिए दोस्तों क्या किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है, कौन सा रुधिर समूह सर्वाधिक सर्वत्रिक ग्राही है दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर हो जाता है ए और बी। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश को मुड़ने को क्या कहा जाता है। दोस्तों ये कहा जाता है अपवर्तन कहा जाता है, ठीक है। चलो अगला है, विद्युत चुंबक का प्रयोग करने वाले किन्हीं दो उपकरणों का नाम बताओ। देखिए विद्युत चुंबक का प्रयोग करने वाला दो उपकरण जो है, इसमें से ऑप्शन नंबर पढ़ लेते हैं क्या, विद्युत घंटी है, विद्युत प्रेस है, विद्युत प्रेस, विद्युत टेलीविजन, विद्युत घंटी, ध्वनि विस्तारक। देखिए दोस्तों ये दोनों है, ठीक है। क्या है, विद्युत घंटी है और ध्वनि विस्तारक यंत्र है दोस्तों। तो क्या, ठीक है, विद्युत चुंबक का प्रयोग करने वाला कौन कौन सा है, एक ये है और ये है। देखिए दोनों में क्या होता है, ये चुंबक विद्युत चुंबक लगा रहता है, ठीक है, इसमें तो नहीं होता है इसलिए ये तो ठीक है, लेकिन इसमें नहीं लगा होता है। देखिए इस विद्युत प्रेस में तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए बांसुरी में तो नहीं होता है इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है। दोस्तों इसका ऑप्शन जो है, फेफड़ा है, यकृत है और वृक है और आंत है। तो इसका आंसर हो जाता है वृक, यानी किडनी।
ठीक है दोस्तों, इससे क्या हो जाता है, किडनी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? देखिए यहाँ का आंसर है जल। ठीक है, अगला है क्रम संख्या को पूरा करो, जो एक सीरीज दिया गया उसको पूरा करने के लिए। देखिए इस पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, देखिए इन दोनों का पैटर्न जो है क्या है, सात है। इन दोनों का अंतर कितना है, सात है। इन दोनों का अंतर दोस्तों कितना है, ये हो जाता है फिर यहाँ पर नहीं देखिए आप एक देखने दे, ये तीन का स्क्वायर है, चार का स्क्वायर है, पाँच का स्क्वायर है, छः का स्क्वायर है, सात का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आठ का स्क्वायर, यानी कि 64 आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला है 9, 27, 45 का लघुत्तम समावर्तक क्या है दोस्तों? देखिए तो इसका आंसर निकालने के लिए करेंगे 9, 27 और 45 है, 9, 27, 45 है। ठीक है, तीन लगाएंगे तो 3 × 9, 3 × 27, 15 × 45, 3 से लगाएंगे 3 × 9 और 5 × 15, अब तो नहीं लगेगा, 3 × 9 = 5, 3 × 9 = 27, 5 = 135 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है इसका क्या है, क्यू रूट कितना होगा? तो क्यू रूट निकालने के लिए क्या होता है, इसको अभी आप लेंगे दाएं तरफ से 3, यानी कि देखिए 2, 1, 9, 7 है ना, तो दाएं तरफ से ऐसा कर लीजिए इसको। अब 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब जो हो जाता है 49, यानी कि 243 हो जाता है दोस्तों। ठीक, कितना हो जाता है 243, यानी इकाई संख्या जो है उसको यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 2 जो है 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होता है, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि देखिए 8 तो लेना नहीं है मुझे, इसलिए 1 लेना है, 1 का कितना यहाँ 1 रखना है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 13। अगर इसको नहीं समझे हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इसको बता दूंगा क्यों रूट कैसे निकाल दोस्तों, 1 सेकंड में आप बना सकते हो इसको, आप 1 सेकंड में बना सकते हो। ठीक है, देखिए क्या करना है, दाएं तरफ से 3 अंक आपको ले लेना है, फिर जितना बचे छोड़ देना है आपको। इसका क्यूब कितना होता है, इसका क्यूब जो होता रहता है 243 हो जाता है, यानी आपको कुछ नहीं करना है, इसका इकाई ले लेना है, इकाई ले लेना है आपको। तो 3 लेना है मैंने, यहाँ पर 2 है ना, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 हो जाता है, इसलिए मुझे 2 तो लेना नहीं मुझे, क्योंकि 8 ज़्यादा हो जाएगा यहाँ 2 से, इसलिए आपको 1 लेना है, आपका आंसर 13 यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला जो है 34, 45 का महत्तम समावर्तक क्या होगा दोस्तों? यानी महत्तम वो होता है जो दोनों में भाग लग जाए और जिससे भाग लगे वो सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए। देखिए 30 तो होगा नहीं, 15 होगा, 15 आपका मिल जाएगा इसमें, 15 की ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, 45 से बस ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, 75 से तो ये होगा नहीं, यानी 15 आपका आंसर हो जाएगा। वैसे भी निकालोगे तो इतना भाग लगा दोगे आप, 30 हो जाएगा यानी 15 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 30 है, 30 यानी कट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका आंसर 15 हो जाएगा। अगला है 5,000 रुपये को मूल राशि पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों? देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर होता है दोस्तों, बटा में 100 होता है। तो मूलधन है 5,000 गुना में, दर है 6%, समय है 2 वर्ष, बटा में 100 कर लीजिए, जो कट जाएगा यानी 50 गुना 100 यानी कि 600 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है एक साइकिल के पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है, 720 चक्कर लगाने के लिए कितना दूरी तय करें? देखिए एक बार जो चाहिए आपका पहिया घूमेगा तो कितना दूरी तय करेगा ये निकल जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसको 720 चक्कर से गुना कर देंगे हम, तो एक बार घूमने के लिए कितना दूरी तय करेगा? तो इसका एक बार घूमने के लिए दूरी होता है 2πr फार्मूला होता है, 2 × 10^7 × r, का वैल्यू क्या है, ये तो प्यास है यानी डी का मान दिया गया 70, यानी कि r निकालने के लिए 70/2 कर देंगे, यानी कि 35 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 35 हो जाएगा, 7×5 = 35 / 15 = 10 यानी 220 क्या हो जाएगा, एक चक्कर में दूरी तय करेगा, तो 720 से गुना कर दीजिए इसको आप। ठीक है, 720 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 और 22 × 44 हाथ में 4 हो जाएगा, 22 × 7 = 154 और 4 = 156 यानी कि इतना इतना क्या हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, ऐसे भाग लगा देंगे 100 से क्या बन जाएगा, ये मीटर बन जाएगा, ऑप्शन मीटर में था यहाँ पर, 1564 आपका आंसर हो जाएगा, 84 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इसको ठीक से आप गुना कर लीजिएगा, यहाँ पर 1584 आपका आंसर हो जाता है। अगला है यदि 24 व्यक्ति खाई को खोदने में 10 दिन लगता है तो कितने दिन में खाई 20 व्यक्ति खोद सकता है दोस्तों? इसका आप याद कर लीजिए फॉर्मूला m1d1 = m2d2 होता है दोस्तों। तो m1 कितना है, 24 है और 10 दिन है, m2 कितना है, तो m2 20 दिन है, 20 व्यक्ति है और m2 कितना है, d तो मुझे मालूम नहीं है, तो d का d छोड़ देता है यहाँ पर, काट लीजिए यहाँ पर 10 × 20 और 2 से काटेंगे तो 12 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस पर बैठा दीजिए m1 कि कितने आदमी है, कितने दिन, फिर कितने आदमी, फिर कितने दिन। अगला है
एक व्यक्ति 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक बिजली खंभे को 20 सेकंड में पार कर जाता है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। देखिए आपका लंबाई, देखिए जब खंभे को पार करता है तो ट्रेन की बस अपनी लंबाई क्या होता है, दूरी होता है, कुल दूरी। तो देखिए दूरी इतना मीटर में हो गया या सेकंड में हो गया, यानी आपका आंसर किस में हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। लेकिन आंसर दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, आपको निकलना है चाल। तो यहाँ मैं बना देता हूँ, चाल बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, दूरी बटा में समय। दूरी कितना है 300 है, समय है आपका 20 सेकंड। तो ये आपका आंसर मीटर में है, ये सेंटर सेकंड में है। तो आपका आंसर किस में अभी आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 18/5 से गुना किया जाता है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि 0 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे 15 18 54 आपका आंसर हो जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला जो है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है दोस्तों, इसका होता है क्या, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है दोस्तों, ठीक है। अगला है हल करो, इसको गुना करके कितना आ जाएगा, तो इसमें गुना करेंगे 7 4 28 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 28 स्क्वायर है इसमें, और 9 4 36 एक्स 2 है, यहाँ पर 1 है एक्स क्यूब आपका आंसर ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है इसका गुणनखंड करने पर क्या होगा, देखिए आप 4x² - 9 है, इसको आप ये भी कर सकते हो 2 का पावर में एक्स स्क्वायर कर सकते हो, 2x पावर में स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर सकते हो, यानी इसको मान लो आप ए, इसको मान लो बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी होता है, ठीक है। अब देखो तो यानी 2x प्लस 3 हो जाएगा, एक पर क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 हो जाएगा आपका आंसर, कहाँ गया ये, ठीक है। अब देख लो इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, देखिए आप बेस समान है तो भागा में क्या होता है पावर घट जाता है, यानी ए के पावर में कितना हो जाएगा 9 - 7, यानी कितना हो जाएगा तो एक बार में 2 हो जाएगा आपका आंसर। अगला है अब देखो इसको सॉल्व करने पर, ये दो बार है ना, तो एक बार 2 काट देंगे तो 2 बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 काट देंगे यहाँ से, कितना 5 बार में यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर देखो 3 3 9 यानी 3 के बार में स्क्वायर है, काटेंगे यहाँ पर कितना 3 के यहाँ पर 2 बच जाएगा, यानी कि 2 × 3 × 3 × 5 बच जाएगा, 5 3 15 3 45 × 90 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है। अब देखो अभी मैंने क्या करा था, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुना किया जाता है, लेकिन जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलते हैं तो 5/18 से गुना किया जाता है, यानी कि 72 यहाँ पर 72 गुना है 5/18, जो का 72 पंचों का 20 आपका आंसर हो जाता है, ठीक है, पहला नंबर ऑप्शन। अगला है एक वृत्त की त्रिज्या इतना दिया है तो उसका लगभग क्षेत्रफल कितना होगा, तो देखिए तो आपका वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर हो जाता है, यानी 5/7 × 7 × 7। देखिए तो 7 कट जाएगा, 5 7 154 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें मेरे दोस्तों के साथ, ठीक है, और अगर मेरे चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ठीक है, पहले सब्सक्राइब कर लिए हैं तो फिर से मैं बोल रहा हूँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।